अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। पूरा विधिवत तरीके से पूरा रजिस्टर में आवेदन करो, उसके बाद चालू करना तुम्हारा। परसों मालूम पड़ जाएगा आज बंद करा तुमने, कल बंद करा, मंडे से बोल दिया। संस्कार के थोड़ा जिसका फोटो आया वो यहाँ पे थी ना, नहीं यहाँ मैडम ये ग्राम आगरोध में जो पैथोलॉजी चल रही है, संचालित हो रही है, इसके अपने यहाँ से क्या रजिस्ट्रेशन दिया गया है और क्या क्या नियम है, उसमें किन आधार पर दिया गया दिया भी गया था? ये अभी मुझे पता चला है कि ग्राम आगरोध में पैथोलॉजी चल रही है, इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करूंगी। अभी मैं खुद भी विजिट पे जा रही हूँ और जो भी अगर अवैध है और अवैध रूप से संचालित है तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। तीन पैथोलॉजी संचालित हो रही है मैडम, आपके संज्ञान में है क्या? जी मेरे संज्ञान में है, अभी मैं है ना जाके देखती हूँ कि इसमें किसके माध्यम से चलाई जा रही है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नियमानुसार है या नहीं है। मैं ये सारी जानकारी स्वयं जाके लूंगी और अगर ये नियम विरुद्ध है तो कार्यवाही होगी। नहीं, आपके संज्ञान में अगर है तो आपके यहाँ से रजिस्ट्रेशन दिया गया उनको क्या? अभी मैं पता करती हूँ, वैसे मेरे संज्ञान में है कि उन्हें अभी रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया है और अगर दिया गया है तो मैं और देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। मैडम यदि बगैर पंजीयन के कोई पैथोलॉजी चलती तो क्या प्रावधान है उसके खिलाफ, क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या सील हो सकती है या एफआईआर दर्ज हो सकती है? प्रक्रिया तो अभी ये है कि उसको नोटिस देंगे, सील करेंगे और अगर वास्तव में गलत है तो प्रक्रिया होती है उसकी, एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। कब तक होने की संभावना है? अब हम प्रक्रिया को जाके देखते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद लेते हैं प्रक्रिया। मैडम शहर में भी ऐसी कई सारी लेवे चल रही है, जाँच नहीं हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत धड़ल्ले से चल रही है, जिनकी सूचनाएं हमें कई बार हुई है लेकिन आज तक जाँच नहीं हुई उनकी। आपके माध्यम से अगर ऐसी संज्ञान में है तो मैं ना निश्चित कार्यवाही में लूंगी। ठीक है मैडम, आपका नाम? मैं डॉक्टर विष्णु लता उइके, सीएमएचओ देवास।